करें और घर्षण से प्राप्त ऊर्जा से पेड़ की मालिश करें, मुखमंडल में मालिश करें। चलिए बच्चों अब हम ध्यान करेंगे। तो अभी आपने देखा वंदना के क्रम को। अब बहनों भाइयों आप देखिएगा आपकी पीडीएफ फाइल में, आपकी मार्गदर्शिका में जो वंदना के मंत्र हैं उसमें सबसे पहले गुरु वंदना, उसके पश्चात गणेश वंदना, फिर मातृ वंदना, सरस्वती वंदना, महामृत्युंजय मंत्र, ये एक एक मंत्र को उसमें रखा गया है। तो जो आप आचार्य डायरी बनाएंगे, जो आप टीचिंग प्लान करेंगे उसमें इन मंत्रों को लिख लेंगे, इसको लिखने में कोई दोष नहीं है और उसको देख देख करके बोला जा सकता है। शुद्ध मंत्रोच्चारण करिएगा और आराम से बोलिएगा, प्यार से भावना पूर्वक बोलिएगा। जब ये मंत्र याद हो जाए, जैसे एक गुरु मंत्र याद हो गया तो फिर दूसरा गुरु मंत्र, जैसे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस प्रकार से आप उसको दूसरा उसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे ही गणेश वंदना एक हो गया फिर आप दूसरा कर सकते हैं, सरस्वती वंदना एक हो गया फिर दूसरा कर सकते हैं। कब? जब ये मंत्र याद हो जाएंगे एक डेढ़ महीने के बाद। तब ऐसा नहीं कि एक दिन पहले ये किया फिर दूसरे दिन ये किया फिर तीसरे दिन ये किया। विविधता के दृष्टिकोण से, रोचक बनाने के दृष्टिकोण से तो ठीक है, पर एक ही सप्ताह के बाद में अगर बदल देते हैं तो बच्चों को वो याद नहीं हो पाएगा। तो याद कराने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसको कुछ समय तक उसी को रिपीट करना, पुनरावृत्ति करना, ये फायदेमंद रहता है। तो ये रही बात प्रथम कालखंड के अंतर्गत इसकी, कहां तक? वंदना वाली बात। अब महत्वपूर्ण बात है जप ध्यान से संबंधित बातें। जप ध्यान में क्या होता है? वास्तव में जप ध्यान छोटे बच्चों के बीच में कराते हैं तो बच्चों को आंख बंद करने की आदत रहती नहीं है और बच्चे आंखें मिचमिचाते रहते हैं, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। और होता यह है कि पूरी तरह से बच्चे का मन एकाग्र नहीं रहता है तो फिर उनका मन नहीं लगता है। तो क्या करेंगे? एक आचार्य हमारा जप ध्यान कराता रहेगा और दूसरा आचार्य जो है वो बराबर बच्चों पर नजर रखा रहेगा कि बच्चे कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, आंखें बंद किए हैं कि नहीं किए हैं, अनुशासित हैं कि नहीं है। अनुशासन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आप अनुशासन का ध्यान रखते रहेंगे, हमारे जो और सहयोगी रहेंगे वो एक उसको संपन्न कराएगा। जब ध्यान में जो पंक्तियां हैं वो बहुत धीरे धीरे आराम से भावनापूर्वक बोलनी है। भावनापूर्वक बोलने का मतलब ये नहीं कि आप लयबद्ध तरीके से राग से बोल रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि बच्चे को हमारे शब्दों के उच्चारण के बाद भावना करने का एक समय मिलना चाहिए, मतलब गैप दे दे करके बोलना है। अक्सर ये गलती हो जाती है आचार्यों से कि वो तड़ 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 तड़ा तड़ तड़ा तड़ बोलते चले जाते हैं शब्दों को और वो भाव नहीं कर पाते। ध्यान करने में दिक्कत होती जब बहुत ज्यादा बोला जाता है तो बहुत धीरे धीरे और गैप दे दे करके शब्दों को बोला जाता है, दूसरी बात। और तीसरी बात यह इसके साथ में कि बच्चों के जैसे बड़ों के लिए ध्यान किया जाता है, कराया जाता है लंबा लंबा आंख बंद करने के पश्चात, तो वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। नेत्र बंद करके बच्चों को ओमकार का उच्चारण ज्यादा से ज्यादा बार करवा सकते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण ज्यादा से ज्यादा बार करवा सकते हैं और नेत्र बंद करके रख करके कुछ समय के लिए ही उनको निर्देश करेंगे, ये फायदेमंद है। आपकी मार्गदर्शिका में जो है वो बच्चों के हिसाब से कम, बड़ों के हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि हमारे आचार्यों को भी तो ध्यान करना है, ध्यान करना आवश्यक है। ध्यान हमारे आचार्यों को भी अपने नित्य नियमित की दैनिक दिनचर्या में ध्यान करना जरूरी है। ये ना भूलें कि हम जो अपने घर में रूटीन में करेंगे वही प्राण बन करके बच्चों के सामने वो निकलेगा और वो उन पर असर करेगा। इस बात को बहुत अच्छे से हम समझ लें, हृदयंगम कर लें। तो ध्यान करने के लिए बच्चों को निर्देश करते हैं कि सभी बच्चे कमर सीधी करके बैठें और सुखासन पर बैठें, आराम से बैठें, पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगाएं। हमारा एक आचार्य पद्मासन लगा करके भी उनको बताते हैं,
छोटे बच्चों को जैसे आप बोलेंगे वैसे वो करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, दोनों हाथों से उनको ज्ञान मुद्रा लगवा लेंगे या ध्यान मुद्रा इस प्रकार से लगवा लेंगे। ध्यान मुद्रा लगाएंगे तो भी ठीक है, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे तो भी ठीक है। नेत्र बंद, कमर सीधी, बीच में कोई आंख नहीं खुलेगा, किसी को कोई स्पर्श नहीं करेगा, कोई हंसी ठिठोली नहीं करेगा, सभी शांत बैठेंगे। इस प्रकार से आप निर्देश करते हुए एक आचार्य स्वयं ध्यान बोलेंगे, कराएंगे, करेंगे और दूसरा आचार्य उसका ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे। तो मैं समझती हूँ हम लोगों को ध्यान का अभ्यास इस समय लाइव ही करना चाहिए। मैं इसलिए भी चाहती हूँ इसको, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो युवा कार्यकर्ता हैं और हमारे नए नए आचार्य हैं, युवा साथी, वो सब जुड़े हुए हैं, तो अपने घर में भी वो ध्यान करेंगे। इस ध्येय से हम लोग 10 मिनट के लिए ये ध्यान कोशिश करते हैं कम से कम समय का, और ये प्रैक्टिकल करते हैं। आइए, कमर सीधी करके बैठें, दोनों नेत्र बंद कर लें, दोनों हाथों को गोद में रखें। ये ध्यान मैं बच्चों के लिए नहीं करवा रही हूँ, ये ध्यान, ये निर्देश जो है वो बड़े लोगों के लिए है, आचार्यों के लिए है, हमारे अपने लिए है। नेत्र बंद करें, कमर सीधी, गर्दन सीधा, शांत स्थिर शरीर, शांत चित्त, शरीर में कोई हलचल नहीं, बिल्कुल आराम से रिलैक्स के स्थिति में बैठें, शरीर ढीला छोड़ दें, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा। अपनी सांसों का ध्यान करें, सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, स्वाभाविक गति से आती जाती सांसों का अवलोकन करें। स्वाभाविक गति से आती जाती सांसों का सूक्ष्म अवलोकन, एकाग्र मन, एकाग्र भावना करें, रमणीय स्थान में गंगा की गोद, हिमालय की छाया हमारे सामने, गंगा मैया उनकी लहरें अटखेलियां कर रही हैं, सुंदर बगीचा है सामने, पूर्व दिशा है, सांसों में ध्यान रखें। शरीर स्थिर, मन स्थिर, सांसों के साथ साथ गायत्री महामंत्र मन ही मन, गायत्री महामंत्र सांसों के साथ, पूर्व दिशा स्वर्णिम सूर्योदय, पूर्व दिशा से लालिमा युक्त सूर्य सविता प्रकाश किरणें हमारे आज्ञा चक्र से भीतर प्रवेश कर रही, संपूर्ण शरीर सूर्य प्रकाश से प्रकाशित, गायत्री मंत्र का मानसिक जप सांसों के साथ अनवरत चलता रहे, भाव करते रहे, संपूर्ण शरीर, शरीर की एक एक नस नाड़ियों में सविता का प्रकाश, सूर्य की किरणों का प्रसार,
संपूर्ण शरीर प्रकाशित। प्रकाश की किरणें हमारी मन बुद्धि पर, हमारा मन खुल रहा है प्रकाश किरणों से, मंत्र के जप से। हम शुद्ध निर्मल बन रहे हैं, मन पवित्र निर्मल ज्ञानवान। अंतःकरण में प्रकाश की किरणों से पवित्रता निर्मलता, अंतःकरण शुद्ध निर्मल श्रद्धावान। शरीर प्राणवान, मन ज्ञानवान, अंतःकरण श्रद्धावान, स्वस्थ पवित्र निर्मल व्यक्तित्व। संपूर्ण शरीर मन प्राण से, ऊर्जा से ओतप्रोत, लबालब। ऊर्जा शक्ति प्राण संपूर्ण शरीर में, मन में। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को घर्षण करें, नेत्र की सेंक करें, माथे की मालिश करें, अपने मुखमंडल पर लगा लें ऊर्जा को, ईश्वरी चेतना को सत्ता को नमन करें, शीश झुकाएं और धीरे धीरे नेत्र खोलें। ये एक बहुत छोटा सा प्रयोग हमारे सभी युवा साथियों के लिए, आप अपने रूटीन में अपने घर पर अवश्य ही ध्यान करें। 15 मिनट 20 मिनट उसमें समय लगाएं। गायत्री मंत्र का जप ध्यान के साथ में, स्वर्णिम सूर्योदय के ध्यान के साथ में आप कर सकते हैं। इस विषय में विस्तार से बातें बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमारा प्रशिक्षण का क्रम चल रहा है। अब इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जप ध्यान जो है वो बच्चों को जब कराएंगे तो शुरुआत में लंबी गहरी सांस लेकर के, जो किताब में उल्लेख है, उन्हें ओमकार का उच्चारण कराना है। 3 बार 5 बार 7 बार 12 बार भी करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप में ओमकार का उच्चारण के साथ में ध्यान, नेत्र बंद। बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि आंखें भी बंद होनी चाहिए। बच्चों को आंख बंद करने की आदत नहीं रहती है। आंख बंद करने की योग्यता होना बहुत बड़ी योग्यता है, क्योंकि ध्यान का प्रारंभिक चरण है आंख को बंद करना। उसके पश्चात उनको गायत्री मंत्र 3 बार उच्चारण करवाएं।
तीन बार से ज्यादा भी करवा सकते हैं। उसके पश्चात जो निर्देश दिया गया है, जैसे मैंने भी निर्देश दिया, उस प्रकार का निर्देश दिया हुआ है, इसी प्रकार से गैप दे दे करके आराम से भावना पूर्वक उनको बोलते जाएं। और अंत में इसी प्रकार से जैसे ही प्रार्थना हमने किया, असतो माँ सदगमया, इसको भी बहुत आराम से भावना पूर्वक हिंदी में बोल सकते हैं, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलें, प्रभु ले चलें, प्लीज ले चलें, कृपया ले चलें, ऐसे भावना पूर्वक उनको उनको बोलें और बच्चों से प्रार्थना कराएं, बाद में उसका समापन करें। अब यहाँ पर क्या है देखिए, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, भाई कह रहे थे तो सभी बच्चे आ गए, अच्छा दिनेश तो नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है आपस की बातें करते हैं अनौपचारिक तरीके से, ऐसा नहीं कि एकदम से कोई बड़ा आदमी आ गया है, बड़ा भारी आचार्य और पढ़ाने के लिए, और बच्चे दुबक करके बैठ जाएंगे, ये हंसी ठिठोली जैसी स्थिति रहनी चाहिए वहां पर। अब जैसे ये जब ध्यान हो गया, अब बच्चों से आप कह सकते हैं सबका ध्यान हो गया कैसा लगा, बच्चों को पूछेंगे कैसा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा, कोई बोलेगा बहुत अच्छा लगा, कोई बोलेगा, किसी को पूछ सकते हैं अच्छा बताओ किसी को भगवान दिखे, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं हाँ मुझे दिखे भगवान, वो थोड़े ज्यादा वाचाल होते हैं ना बच्चे लोग, ज्यादा बोलते हैं मुझे दिखे भगवान, अच्छा अच्छा कौन से भगवान दिखे, कोई कोई कहेगा कि मुझे गणेश भगवान दिखे, कोई कहेगा कि हनुमान जी दिखे मुझे, अच्छा हम जानते हैं कि उसको कुछ नहीं दिखा, लेकिन आप बोले अच्छा अच्छा ऐसा, अरे वाह तब तो आप बहुत अच्छे ध्यानी है बेटा, ये करते रहना है ठीक है, ऐसे उनको अप्रिशिएट करना है, उनको प्रशंसा ही करनी है, आपको प्रेरणा ही देनी है। तो ऐसे आपस में कुछ चुहलबाजी जैसी बातें करके उस बात को आगे बढ़ाना, इसके पश्चात फिर उनको शुभकामना कराने का है, शुभकामना है, शुभकामना के पश्चात करदर्शन है, तो शुभकामना कराते समय हो, चाहे ध्यान कराते समय हो, चाहे प्रार्थना कराते समय हो, उसकी प्रेरणा जरूर देंगे सबसे पहले। जैसे शुभकामना कराएंगे तो बच्चों चलिए शुभकामना करने के लिए अपनी हथेलियां पसार लेते हैं, हमें सबके लिए दुआएं करनी चाहिए, सबके लिए मंगल कामना करनी चाहिए, जो दूसरों के लिए मंगल कामना करता है, जो दूसरों के लिए दुआएं करता है, उनका जीवन अपने आप ही सफल और उनके लिए साथ मंगल होता है, उनका कल्याण होता है, इसलिए हमें केवल स्वार्थी बनकर के अपने लिए नहीं मांगना चाहिए, इस प्रकार की बातें करके ही उनको आप मंत्रोच्चारण कराइए। इस प्रकार से तो ये मंत्रोच्चारण जो है आपको शुद्ध होना चाहिए, आप वीडियो के अनुसार आप मत चलिए, मंत्रोच्चारण के लिए अलग से अभ्यास कर लेंगे, ये आपको डेमो जो दिखा रहे हैं, झलकियां दिखा रहे हैं, वो इस बात के लिए कि आप उसको कितना सरल सहज है ये आप समझ लें। इसके पश्चात बात आती करदर्शन की, करदर्शन हम लोग सब जानते हैं, करदर्शन में दोनों हथेली पसार करके देखना, उसे पुरुषार्थ का प्रतीक मान करके, भगवान का प्रतीक मान करके चलना, तो ये प्रेरणा देने के पश्चात फिर करदर्शन का तो पहले उन्होंने मंत्र बोला, उसके पश्चात उसके भावार्थ को बता रहे हैं। आप पहले प्रेरणा दे सकते हैं जो किताब में आपके दिया है, कि बच्चों से बोल करके कि हम इसी हाथ से देश के लिए, धर्म संस्कृति के लिए, अपने माता पिता के लिए महान कार्य करेंगे, उनका मान बढ़ाएंगे, अपने सौभाग्य को रचेंगे, अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेंगे, ऐसी भावना करते हुए मंत्र बोलें इस प्रकार से। तो ये हो गया। अब इसके पश्चात आता है धरती माता को प्रणाम, अंतिम धरती माता को प्रणाम करने के लिए उसी प्रकार से भावना करके धरती माता का मंत्र जो है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, लय वही रहेगा। इसको बोल करके मैं समय ज्यादा नहीं लगाना चाहती, अलग से इसका शेषण ले लेंगे भले कुछ समय के लिए। तो ये प्रथम कालखंड की बात हुई। अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है, पढ़ाने वाले के लिए आचार्य के रूप में प्रथम कालखंड के मंत्र नहीं बदलेंगे, हर बार वही दोहराए जाएंगे, और ये सारे के सारे क्रम जो है बच्चों को होमवर्क में मिलेगा कि बेटा आपको प्रतिदिन वैसी प्रातः काल से उठ करके क्या करना है, धरती माता को प्रणाम करना है, करदर्शन करना है, धरती माता को प्रणाम करना है, फिर नीचे उतरने के पश्चात फिर आगे का क्रम जब करेंगे तो स्नान करने के बाद आपको कम से कम 24 गायत्री मंत्र बोलना है, ध्यान करना है और भगवान को प्रणाम करना है। तो प्रथम कालखंड की चीजें जो है उनकी रूटीन में शामिल होंगी, ये महत्वपूर्ण बात है।
और ये कभी बदलेगा नहीं जब तक ये मंत्र याद ना हो जाए। और इनके प्रेरित करने वाले जो वाक्य हैं, उनके जो प्रेरणाप्रद जो बातें हैं, सामग्री है, वो कुछ कुछ बदलेंगी। आप अपने ज्ञान के अनुसार भी उनको बोल सकते हैं। आजकल तो नए वर्ग के लोग, नए जो हमारे युवा साथी हैं, वो बहुत एडवांस हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं इतना ज्यादा। हम कम समझाएंगे, वो ज्यादा करेंगे, ये दिखाई देता है। इस प्रकार से प्रथम कालखंड लगभग 25 मिनट के अंतराल में समाप्त हो जाता है। अब इसके पश्चात आता है, ये फ्लेक्स देख लीजिए, प्रथम कालखंड में ये चीजें थी। प्रथम कालखंड को देख लीजिए, प्रथम कालखंड में ये चीजें, प्रथम कालखंड के बाद में द्वितीय कालखंड में आता है ये सद्वाक्य मनन चिंतन प्रेरणा प्रद कहानी स्वस्थ रहने की कला, और फिर आगे जीवन जीने की कला। तो मैं आपको ये निवेदन करूंगा, प्रथम कालखंड एज इट इज रहेगा, ठीक है। द्वितीय कालखंड के अंतर्गत जो स्वस्थ रहने की कला है 9 मिनट, और उसके पश्चात तृतीय कालखंड में जो जीवन जीने की कला है 11 मिनट, इनमें से किसी एक को ही लीजिए, ले सकते हैं। या तो स्वस्थ रहने की कला बताइए, ये प्रायोगिक शिक्षण होता है, और जीवन जीने की कला वो भी प्रायोगिक शिक्षण होता है। दोनों में से किसी एक को ही लेना है, और उसके पहले हमें करना है सद्वाक्य मनन चिंतन, मतलब जो सूक्तियां हैं, दोहा होती हैं, चौपाइयां होती हैं, कोई महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं जो प्रेरणाप्रद होते हैं, जो जीवन में प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशनल होते हैं, उनको कुछ छोटे मोटे दृष्टांत के आधार पर ज्यादा उसको स्ट्रांग बना करके, प्रभावशाली बना करके बच्चों के सामने दिया जाता है, और कहानी बताई जाती है। ज्यादा अच्छा होगा कि दोनों आपस में जुड़े हुए हों, लेकिन यदि विषय अलग अलग है, कहानी अलग, सद्वाक्य मनन चिंतन अलग, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये किया जाना है। तो मैं निवेदन करती हूँ इसके पश्चात ये जो सद्वाक्य मनन चिंतन का क्रम है। अच्छा हाँ, बच्चों से ये नहीं कहेंगे, तो बच्चों देखो अब प्रथम कालखंड हो गया, अब द्वितीय कालखंड को शुरू करते हैं, देखो क्या लिखा है। ये बच्चों को बताने बोलने का नहीं है, सीधे सीधे बोलेंगे कि बच्चों देखिए अभी आपको बहुत सुंदर सुंदर बातें बताएंगे हमारी आचार्य जी, सुनिए क्या कहते हैं, बस ये कहें और शुरू करते हैं। तो सद्वाक्य मनन चिंतन करने का तरीका क्या है, कुलदीप भैया अपना सद्वाक्य मनन चिंतन करने का तरीका क्या है, तरीका मतलब स्टेप्स क्या है। होता तो वो दो ही लाइन का है या एक लाइन होता है, अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, एक लाइन में हो गया, लेकिन उसको समझाने में बहुत वक्त लगता है, उनका तरीका भी अलग रहता है। उसी प्रकार से जब कोई दोहा चौपाई के रूप में है, पंक्ति के रूप में, तो आप उसको कैसे संपन्न करेंगे, तो भी आपके सामने इसको संपन्न करते हैं। आप देखिए कि कैसे संपन्न करेंगे, एक बार तो आप ब्लैक बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे, फिर उसके पश्चात दूसरी बार में उनको खड़े होकर के बुलवाएंगे, फिर कुलदीप भैया, उसके पश्चात फिर आप स्वयं उसको बोलेंगे, हमारे आचार्य कुलदीप भाई जी जो बाल संस्कारशाला के प्रशिक्षक हैं, अब उनसे इसको देखें, डेमो देखें। आइए बच्चों, अब हम द्वितीय कालखंड में आप सभी को एक सुंदर सा सद्वाक्य के माध्यम से कुछ अच्छी बातें बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, क्या लिखा है चलिए हम एक बार पढ़कर दिखाते हैं आपको। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल देखा आपनो, मुझसो बुरा न कोई। चलिए आप में से कई बच्चे पढ़कर सुनाएंगे क्या, चलिए रमेश, चलिए बेटा आप पढ़कर सुनाओ। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा इसको गा के भी सुना सकते हैं क्या, चलिए एक बार गा कर देखते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल देखा आपनो, मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई। बच्चों बेटा आप में से कोई इसका अर्थ बनाकर बता, इसका अर्थ बताएंगे क्या, चलिए प्रयास करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए बेटा अब हम इसके अर्थ को आपको बताते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि दुनिया में बुराई ही बुराई है, और मैं भी ये सोचा कि चलो मैं दुनिया में बुराई, बुरे व्यक्ति को देखने खोजने के लिए मैं जाता हूँ, बुराई देखने के लिए जाता हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी तुलना दूसरों से की तो मुझे लगा कि जितनी बुराइयां मुझ में हैं उतनी बुराइयां तो शायद किसी में भी नहीं है, और मुझे ये लगा कि वास्तव में मेरे अंदर जितनी ज्यादा बुराई है तो सबसे ज्यादा मुझे अपनी ही बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता है। बच्चों एक छोटी सी घटना आपको बताते हैं। एक बार
दुर्योधन और दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को उनके गुरु एक होमवर्क देते हैं और बोलते हैं कि आप दोनों जाओ और सब तरफ घूमना और घूम करके आप एक ऐसे व्यक्ति को लेना जो सबसे बुरा हो और एक ऐसे व्यक्ति को खोज कर लाना जो सबसे अच्छा हो। बच्चों दुर्योधन जाता है, सब तरफ देखता है और आकर कहता है कि गुरुदेव मैंने सारी दुनिया में पता लगाया लेकिन मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं दिखा जो अच्छा हो, सब तरफ बुरे ही बुरे व्यक्ति दिखे। अब उसके पश्चात युधिष्ठिर आते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुदेव मैंने सारी दुनिया को घूमकर देखा लेकिन मुझे एक भी बुरा व्यक्ति नहीं दिखा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा जिसमें कोई ना कोई अच्छाई ना हो, अर्थात सभी में अच्छाई ही अच्छाई दिखी। कहने का मतलब बच्चों कि हम हमेशा दूसरों की बुराई खोजते फिरते हैं और अपनी बुराई की तरफ अनजान रहते हैं, जबकि हम ये देखें कि हमारे अंदर जो बुराई है उसको अगर हम दूर करें तो निश्चित है कि हमारे अंदर जब बुराई को दूर करेंगे तो हम एक अच्छे इंसान बनेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे तो फिर हम सबके प्रिय बनेंगे। इसलिए बच्चों हमको दूसरों की बुराई देखने के बजाय अपनी बुराई देखनी चाहिए और दूसरे व्यक्तियों में अच्छाई देखनी चाहिए। जब हम किसी की अच्छाई देखेंगे तो हम अच्छे बनेंगे और अपनी बुराई को दूर करेंगे तब भी हम अच्छे बनेंगे। इस तरह से आपने देखा, देखिए कि कैसे किस स्टेप को उसमें फॉलो किया गया। पहले बच्चों को ब्लैक बोर्ड में जो लिखा उसको पढ़ने कहा गया, फिर वो पढ़े या ना पढ़े उनको शाबाशी दी गई, ये उसमें इंक्लूड है ना, शाबाशी दी गई। ये मनोविज्ञान है कि बच्चा कुछ कहे तो उनको प्रशंसा करनी, प्रशंसात्मक के अंतर्गत आता है। फिर आपने देखा उनका बॉडी लैंग्वेज, तो बच्चों के सामने बॉडी लैंग्वेज बराबर काम करना चाहिए। आंखें भी बोलती, केवल मुंह नहीं बोलता, हाँ मेरा हाथ भी बोल रहा है। ये क्या है, जब विषय में हम डूब जाते हैं तो अंग अंग बोलने लगता है, तो ये बच्चों में बहुत असर करता है इस प्रकार से प्रस्तुति जो होती है। तो ये ध्यान देने की बात है। फिर हम जिस पंक्ति को समझाना चाहते हैं उसके साथ में एक छोटा मोटा दृष्टांत जरूर जोड़ देना है। तो आपको जो मार्गदर्शिका दी गई है कम से कम उसमें 14-15 ऐसे सद्वाक्य मनन चिंतन करने के लिए कुछ दोहे चौपाइयां दी हुई है, और जो मोटी किताब है ये जो मार्गदर्शिका, इस प्रकार की मार्गदर्शिका जो PDF आपको दिया है उसमें तो और भी भरपूर है, आप स्वयं से भी निकाल सकते हैं। ये नहीं सद्वाक्य मनन चिंतन। अब आप कहानी का शीर्षक जो लिखे हैं वो कहानी आपको सुनानी है कि क्या कहानी हो सकती है। कहानी कैसे सुनाएंगे, कहानी सुनाने का भी एक तरीका है, अभी आपको कहानी सुना करके बताएंगे तो आप देखिएगा। कहानी जब सुनाए तो प्रश्नोत्तरी करना जरूरी बच्चों से, जैसे एक तालाब था, हाँ बच्चों क्या था, तो बच्चा बोलेगा एक तालाब था, हाँ तो बच्चे इससे क्या जागरूक रहते हैं। यदि वन साइडेड बोलते रहे तो बच्चा ऊंघ रहा है, बच्चा समझ भी नहीं रहा है कि नहीं समझ रहा है, आप उसको जांच नहीं पाएंगे, इसलिए प्रश्नोत्तरी करनी जरूरी है। दूसरी बात, जैसी कहानी शुरू करेंगे तो बच्चों को बोल देंगे कि बच्चों देखो बीच बीच में आपसे प्रश्न करेंगे इसलिए ध्यान से सुनना, आपको जवाब देना पड़ेगा। एक दूसरी बात कि कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, बच्चों ये भी ध्यान रखना है, और आपसे हम पूछेंगे कि क्या शिक्षा मिलती है तो आपको बताना पड़ेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कहानी बोलते समय आपके शब्द इतने स्पष्ट होने चाहिए, इतने सरल होने चाहिए कि जो हम बोलेंगे वो बच्चे की कल्पना जगत में आ जाए, उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाए। आप बोलेंगे एक तालाब था तो बच्चे को तालाब दिखने लगे। अब जब आप बोलेंगे कि आकाश में हवाई जहाज उड़ा तो बच्चे को हवाई जहाज उड़ता हुआ नजर आना चाहिए अपनी कल्पना लोक में। इतना स्पष्ट, इतना आराम से, इतना शानदार तरीके से आपको बोलना विषय में बिल्कुल प्रवेश करके। तो ये इस तरीके से कहानी सुनानी, और दोहराना जरूरी है उसको। बच्चे से भी बोलेंगे कि बेटा देखो आप कहानी अभी तो सुनेंगे सीखेंगे, तो उसके बाद भविष्य में आपको कहानी सुनाने के लिए भी हम कहेंगे, तो आपको कहानी सुनानी भी है तो याद भी होना चाहिए, तो आप ध्यान दे के सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा और आप कहानी सुना पाएंगे। बाद में आपको कॉम्पिटिशन रखेंगे, जो बच्चे कहानी सुना पाएंगे उनको प्राइज मिलेगा, उनको उपहार मिलेगा, उनको शाबाशी मिलेगी। ऐसे बच्चों को आप उलझा उलझा करके और उनको आपकी बातों में रस कैसे आए वो ढूंढना पड़ेगा आपको, और इसके पश्चात फिर कहानी सुनाना शुरू। तो कहानी सुनिए, देखिए कैसे कहानी बोलने का जो टेक्निक है, कहानी तो सब बोल सकते हैं और पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है कहानी को, किताब की कहानी को पहले आप 2 बार बोल करके देख लीजिए उसके पश्चात फिर कहानी बोलिए। तो कहानी सुने, हमारी बहन है आचार्य सुश्री शांता साहू जी। जी
बच्चों कैसे हैं? वाह सभी अच्छे हैं। अच्छा बेटा बताओ, आवाज थोड़ी कम है जी, आगे बढ़िए। अच्छा बच्चों सभी को प्रणाम, छोटे भाई बहनों को, कैसे हैं सभी? अच्छा बच्चों कहानी सुनना आपको पसंद है बेटा? कहानी आप लोग सुनते हैं? अच्छा सभी सुनते हैं। कौन सुनाता है कहानी घर में? अच्छा अच्छा घर में सभी बड़े लोग सुनाते हैं कहानी, ठीक। अच्छा बेटा आज हम कहानी सुनाएं कि अगली सप्ताह सुनाएंगे? अच्छा आज ही सुनाना है, चलिए। तो हम आपको कहानी सुना रहे हैं, हमारी कहानी का नाम है ब्रह्मा जी के थैले। क्या है? ब्रह्मा जी के थैले। बेटा इस संसार को बनाने वाले कौन है मालूम है आपको? ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी आपने देखा होगा टीवी में, तो जरूर देखा होगा, देखे हैं। ब्रह्मा जी आए एक बार भेष बदल करके और एक मनुष्य को पूछे, धरती में आ गए बच्चों, और उसको कोई पहचानते नहीं थे कि ये ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि वो अपने वेश बदल चुके थे। और एक मनुष्य को बुला करके पूछे, अच्छा बोले थे, तो बच्चा जो है वो व्यक्ति जो है उनको बोले, अच्छा मनुष्य भैया बताइए आप क्या करना चाहते हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, बड़ा आया मेरे को कुछ देने वाला, ये तो सामान्य सा व्यक्ति मुझे क्या देगा। पर बच्चों फिर भी उनको लगा कि जब वो मांग ही रहे, बोल रहे हैं कि मैं कुछ देने आया हूँ तो मैं मांग ही लेता हूँ। तो उन्होंने तीन चीज मांगी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हम आपको पूछेंगे बेटा कौन कौन सी। पहला, मैं प्रगति उन्नति करना चाहता हूँ। क्या? प्रगति उन्नति करना चाहता हूँ। दूसरा, मैं सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहता हूँ। और तीसरा, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी प्रशंसा करें। ये हर कोई बच्चा चाहता है, चाहते ना बेटा हम भी प्रगति उन्नति करें, सुखपूर्वक रहें और लोग हमारी प्रशंसा करें। ये हमारे सारे बच्चे चाहते हैं। देखो पीछे वाला, देखो कैसे हंस रहा है राहुल। हाँ राहुल चाहता है कि मैं प्रगति उन्नति करना चाहूँ। बहुत अच्छा बेटा, ये चाहना चाहिए। तो बोले ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए ये दो पोट ले लीजिए आप, दो थैले, और जैसे कहता हूँ वैसे करिए। अब वो मनुष्य बहुत खुश हो गया बच्चों, क्योंकि वो तीन वरदान जो मिलने वाले थे, तीन वरदान मिलने वाले थे। तो उनको कहा कि पहले वाले थैले में तुम्हारी स्वयं की बुराई है, उसको सामने खोलकर देखना और सदा देखते रहना। और दूसरे थैले में तुम्हारी पड़ोसी की बुराई है, उसको पीछे लाद करके रखना, बांध करके, ना कभी खोल के देखना ना किसी को दिखाना। सरल सी दो बातें थी, दो थैले मिल गए, वो मनुष्य बहुत खुश, बहुत प्रसन्न। और उनको कुछ दिन व्यतीत करने के लिए उनको ब्रह्मा जी ने कहा, वो बहुत खुशी से अपने जीवन यापन करने लगा। उसके बाद क्या किया बच्चों, अक्सर क्या होती है, जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई उस मनुष्य से खुशी के मारे। और वो थैले को क्या किया, जो प्रथम थैला था जिसमें उसकी स्वयं की बुराई थी, उसको उन्होंने गांठ बांध लिया और पीछे लाद लिया बेचारा, और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। और दूसरा वाला थैला जिसमें पड़ोसी की बुराई थी, सामने खोल के रख दिया, उसको बार बार देखता और खिन्न होता और सोचता कि देखो मेरी पड़ोसी नियमों बीमार बुराई है, मेरे ये दोस्त में अलग बुराई है, और ये जो पीछे वाला जो पड़ोसी रहता है उसको में तो बहुत सारी बुराइयां हैं। ये बार बार उसको खोल के देखता बच्चों, और वो बहुत खिन्न रहता, अशांत रहता और दुखी रहता, शोक में रहता, चिंता रहता, और कुड़न होती उसको, जलन होती, ईर्ष्या होती उनको बार बार कि इसमें ये बहुत सारी बुराइयां हैं और ये काम करता है, और मैं उनसे आगे बढ़ूंगा। कुछ दिन बीत गए ऐसे करते करते, ब्रह्मा जी फिर आए वेश बदल के, बोलो दो मनुष्य दो थैले, अब दो थैले दीजिए और हम आपको वरदान देंगे। बच्चों वो मनुष्य आए, आकर के उन्हें थैला लौटा दिए,
सारी कहानी बताई, पर वो तो गड़बड़ कर चुके थे, है ना। और ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्य तुम तो खुशी के मारे जैसा कहा था उसका विपरीत ही किया। अभी तो तुम्हारा वरदान देना फैल है, हम तो आपको कुछ दे नहीं सकते। वो बेचारा बहुत पछताया। रब पछताए होत का बच्चों, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। और कहानी खत्म हो जाती है। बच्चों क्या इस कहानी से आपको कोई प्रेरणा मिली? बेटा राहुल, सौम्या, आपको कोई प्रेरणा मिली? कौन बताएगा? हाँ, प्रेरणा जरूर मिली। पहली प्रेरणा मिली कि हमेशा स्वयं की बुराई को दूर करके, उसको दूर देख करके उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा बच्चों, दूसरा शिक्षा मिला कि हमें सदैव समय का सुनियोजन करके अच्छे कामों में अपने मन को लगाना चाहिए। और तीसरी प्रेरणा ये मिली, शिक्षा मिली बच्चों कि यदि हम अपने काम को, अपने मन को अच्छे काम में लगाएंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे और हम किसी के कोक के भाजन नहीं बनेंगे। इसलिए बच्चों, अगर हमको प्रेरणा, यदि हमको उन्नति और सुख का मार्ग आगे करना है बेटा, तो हमें क्या करना चाहिए? स्वयं की दोषों को, बुराइयों को देख करके दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, हमारी कहानी खत्म हो गई। आपको कैसे लगी? क्या ये शिक्षाओं को आप ग्रहण करेंगे? हाँ, जिनको प्रगति उन्नति करनी हो वे इस कहानी के अंतिम मुख्य बिंदु को जरूर ध्यान में रखें कि हमें प्रगति उन्नति करने के लिए सदैव अपने दोषों को देखना चाहिए, अपनी समीक्षा करनी चाहिए बेटा। ठीक है, बोले भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से कहानी सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी, तो ये रही कहानी, आप सब लोगों ने कहानी सुनी। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी? ये माहौल होना चाहिए इस प्रकार से। सब जो है वो बच्चों का रोल कर रही है, मान करके चलिए। तीन रोल में है आप, एक तो पढ़ने वाले बच्चे, फिर पढ़ाने वाला आचार्य, फिर आचार्यों को प्रशिक्षण देने वाला प्रशिक्षक। तीन भूमिकाओं में यहाँ बैठे हैं, ध्यान रखिएगा। आप अपने आप को बहुत बड़ा हूं करके केवल इतना ही मत समझिएगा, क्योंकि तीनों रोल होना जरूरी थी, तीनों से वाकिफ होना जरूरी। अब मैं इसके संबंध में कुछ बोलना चाहूंगी पुनः। जैसे कहानी आपने सुनी, मैंने पहले भी निवेदन किया, उसके साथ साथ कहानी बोलने वाला बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखेंगे तो समझ में आएगा। बहुत फास्ट बोलना नहीं है, अगर बहुत फास्ट बोलेंगे तो भी बच्चा नहीं समझेगा, बड़े भी नहीं समझते, सिर के ऊपर से गुजर जाएगा, एकदम गीतांजलि एक्सप्रेस नहीं करना। दूसरी बात, बहुत धीरे धीरे भी नहीं बोलना है। कई लोग एक शब्द को चबा चबा के पीस पीस करके बोलते हैं, वो भी ठीक नहीं है। मध्यम मार्ग अपना करके बोलने का है, और बल्कि बच्चों से जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। आप धीरे धीरे बोलेंगे, बहुत कम, ऐसे जैसे कोई पीछे से धक्का मार रहा है, तब जा करके आप जैसे भाषण देते हैं धीरे धीरे ऐसे। पर भाषणात्मक प्रवचनात्मक स्टाइल में तो बोलना ही नहीं बच्चों के सामने, वो उनको मजा नहीं आएगा, वो भग जाएंगे बच्चे, उनके लायक ही बोलना पड़ेगा। और लोकल लैंग्वेज में भी आप कहानी सुना सकते हैं जिसमें बच्चों को रोचक लगता है, बीच बीच में कोई ऐसा शब्द बोल सकते हैं जिससे कि उनको ज्यादा मजा आता है गुदगुदाने के लिए। अभी किसी भाई ने पूछा है तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, एक बार। दूसरी बात, बोलते बोलते चाहे वो कोई भी सद्वाक्य मनन चिंतन हो, कहानी हो, बोलने की शैली हो, उसमें कुछ तकिया कलाम होता है हम लोगों का। कोई कहता है ठीक है ठीक है ठीक है ना है ना है ना, मतलब एक लाइन में दो बार बोल लेंगे, तीन बार बोल लेंगे, प्रति लाइन में बोलेंगे। ये क्या है? अचेतन रूप से होता है, ये आदत बन जाती है, ये दूसरों को समझ में आता है, अपने आप को समझ में नहीं आता। जब अपनी रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, आजकल तो सब सुविधा है, आप अपनी रिकॉर्डिंग को सुनिए तो पता चलेगा कि मुझसे क्या मिस्टेक होता है, वो मिस्टेक को ठीक करना जरूरी है। तो जो तकिया कलाम होती है इस प्रकार से, वो ठीक नहीं। बहुत फास्ट बोलना भी ठीक नहीं, बहुत धीरे धीरे धक्का मार करके कोई मालगाड़ी के समान चल रहे, वो भी ठीक नहीं। एक एक शब्द को चबा चबा के बोलने, वो भी ठीक नहीं। बच्चे को समझ में आना चाहिए और उनको मजा आना चाहिए, उनको रोचक लगना चाहिए। और शिक्षा जो है, शिक्षा बच्चों को पूछना है, क्योंकि ऑनलाइन है, अब ये सुविधा अगर करेंगे तो सारा समय इसमें बीत जाता है, बच्चों से पूछना है। तो बच्चों देखिए, अभी आपने कहानी सुनी ना, अब बताइए तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कौन बताएगा? हाथ उठा के बताइए। अच्छा, आपने हाथ उठाया, चलिए राकेश आपका नंबर, पहली बारी आप, क्या शिक्षा मिली? अब उसने कुछ बताया, हाँ हमें अपने दुर्गुणों पर ध्यान देना चाहिए, शाबाश, बहुत अच्छा, नंबर एक। अब नंबर दो, और कौन बताएगा दूसरी कहानी की दूसरी शिक्षा क्या है?
ऐसे दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करके फिर एक साथ एक लाइन से बताइए। तो आज हमने सीखा, इस कहानी से ये शिक्षा मिली मिलती है, हमें भी ऐसा बनना है, इस प्रकार से तो शिक्षण का जो क्रम है वो पूरा होता है। तो ये रही बात, अभी लगभग लगभग हम लोग अभी द्वितीय कालखंड के आधे तक पहुंचे हैं। अब इसके पश्चात जो आरंभ होता है वो प्रायोगिक शिक्षण है। प्रायोगिक शिक्षण के क्रम में स्वस्थ रहने की कला, जीवन जीने की कला दोनों शामिल है। एक सप्ताह में केवल एक ही शिक्षण उनको प्रयोग करके बताना है। और मैं इस समय प्रयोग करने के लिए, झटपट प्रयोग करने के लिए, कुलदीप भैया जी उषापान का शिक्षण का तैयारी है क्या? यदि उषापान के शिक्षण की तैयारी है तो उसे आरंभ करें। मैं बोलती जा रही हूँ, उषापान का शिक्षण कहने का मतलब स्वास्थ्य संबंधी शिक्षण की तैयारी है। लगभग 18 शिक्षण हैं। हम आपको कुछ आज एक बता रहे हैं, समय समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात, और उसके पश्चात फिर बाकी को कल बताएंगे। शेष शिक्षण जो कालखंड 3 और 4 में से होगा। तो ये जो प्रयोग है, उस प्रयोग को करने के पीछे कारण ये है कि बच्चों का जो ये जो बाल मन होता है बड़ा कोमल होता है, और उनका कोमल मन मस्तिष्क में यदि हम कोई सामग्री से प्रयोग करके दिखाते हैं तो वो उनके मस्तिष्क में पूरी तरह से अपनी छाप छोड़ता, जम जाता है। जैसे उषापान की बात अभी कर रहे हैं, मान लीजिए हम जैसे बड़ों से बात करते हैं, उषापान करना बहुत लाभदायक होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है, तो हमें उषापान करना चाहिए। अब ये भाषण हम देते हैं कि उषापान ऐसे किया जाता है, इससे ये लाभ होता है, ये फायदे होते हैं, वगैरह 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 वगैरह। अगर इस तरह से करते हैं तो भाषणात्मक तरीका हुआ। ये जो भाषणात्मक तरीका है वो बच्चों को पसंद नहीं आता। तो छोटे बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए उनके साथ क्या करते हैं, छोटी मोटी कुछ सामग्री के साथ में एक प्रयोग करते हैं, और प्रयोग के आधार पर वो शिक्षा उनको मिलती है। तो वो जब भी उस सामग्री को देखते हैं तो सामग्री को देखते ही उनके मस्तिष्क में बात जम जाती है कि मुझे आचार्य जी ने यह बात कहा था कि मुझे उषापान करना चाहिए, कि मुझे पेट को ठीक रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। उसको फट से बात याद आ जाती है। तो हमारी बाल संस्कार शाला में जीवन जीने की कला और स्वस्थ रहने की कला, ये जो शिक्षण इससे संबंधित, उसको हम प्रयोग के माध्यम से ही करते हैं। तो ये किताबों में ढेर सारे हैं। मैं एक प्रयोग आज भैया से निवेदन कर रही हूँ, हमारे आचार्य जी से निवेदन। आइए बच्चों, अब हम प्रयोग, एक प्रयोग के माध्यम से कुछ आप सभी को कुछ अच्छी बातें सिखाने जा रहे हैं। बच्चों, हम कुछ चीजें आपको दिखा रहे हैं, आप बताइएगा क्या है और उसका क्या प्रयोग है। ये क्या है बच्चों? झाड़ू है। झाड़ू? हाँ, बहुत बढ़िया, झाड़ू है भाई। इसे क्या करते हैं बेटा? सफाई करते हैं। बहुत बढ़िया, सफाई करते हैं ना। चलिए सफाई करके देखें क्या। बहुत सुंदर, ये ऐसे हम सफाई करते हैं। चलिए कोई सफाई करके दिखाएंगे क्या? रमेश बेटा आप सफाई करके दिखाओगे? चलिए झाड़ू झाड़ू लगा के बताओ तो, कैसे झाड़ू लगाते हैं? वाह बहुत बढ़िया, रमेश ने तो बहुत सुंदर झाड़ू लगाया। अच्छा बेटा, अगर हम झाड़ू न लगाएं तो क्या होगा? हाँ, घर में गंदगी फैल जाएगी और बीमारी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब ये देखिए, ये काहे का चित्र है? हाँ, पाचन तंत्र का। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मधु ने बहुत सुंदर बात बताई, ये पाचन तंत्र का चित्र है। अच्छा बच्चों, रोज जब हम भोजन करते हैं तो ये जो भोजन है हमारे पाचन संस्थान में जाकर के पाचन तंत्र जो है वो भोजन को पचाता है, और पचाने के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर हमारे पाचन तंत्र की सफाई ना हो तो क्या होगा? क्या होगा दिनेश बताइए? हाँ, इसमें क्या हो जाएगी? गंदगी जमा हो जाएगी। और बेटा जब गंदगी जमा हो जाएगी तो वही गंदगी विष बन करके पूरे शरीर में दौड़ेगी और हमारा पूरा शरीर क्या हो जाएगा बेटा? बीमार हो जाएगा, गंदगी का घर बन जाएगा। इसलिए हमारे पेट की सफाई होनी जरूरी है। अब बताइए, पेट की सफाई करने के लिए आप पेट में कैसे झाड़ू लगाएंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते। तो बच्चों, इसके लिए अपने पेट की सफाई के लिए जो माध्यम है उसका नाम है उषापान। आइए हम आपको बताने जा रहे हैं उषापान क्या है। बेटा ये देखो क्या चीज है, तांबे का लोटा। आप क्या करेंगे,
आप उषापान में बेटा रोज सुबह उठ करके, हम खाली रोज सुबह उठ करके सबसे पहले उखड़ बैठकर हम पानी पीते हैं। तो पानी पीने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपके घर में तांबे का बड़ा सा जग है या लोटा है तो आप उसमें रात को पानी भर दीजिए, और पानी भर करके बेटा आप किसी टेबल के ऊपर रखिए या किसी पाटे के ऊपर रखिए, आप जमीन पर मत रखिएगा। जमीन पर रखेंगे ना तो जो धरती है वो इसकी शक्ति को खींच लेती है। और उसके पश्चात जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हैं, उठते ही बिना मुंह धोए आपको क्या करना है, इसको आपको गिलास, तांबे के लोटे के जो जल है उसको गिलास में डालना है, और गिलास में डाल करके आपको उकड़ू बैठना है। उकड़ू कैसे बैठेंगे, तो उकड़ू बेटा पंजे के ऊपर बैठेंगे, आप ये पंजे के बल ऐसे बैठेंगे और गिलास मुंह, गिलास को ऐसे मुंह में लगा करके धीरे धीरे सीप सीप करके पियेंगे, चूस चूस करके पियेंगे। कितने गिलास पियेंगे तो आप कम से कम एक गिलास से शुरू करिए, फिर दो गिलास, तीन गिलास, चार गिलास, जितना पानी आप पी सकते हैं पीजिएगा। और उसके पश्चात आप शौच के लिए जाएंगे। जब शौच के लिए जाएंगे ना बेटा तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा, और जब पेट साफ होगा तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। अच्छा, आपके मन में आ सकता है भाई कि हम बिना मुंह धोए पानी क्यों पिए, तो इसका कारण यह है बेटा कि आपके मुंह में कुछ एंटीबायोटिक जमा हो जाते हैं ना, वो आपके जो कीटाणु जमा हो जाते हैं वो आपके शरीर के लिए एंटीबायोटिक का काम करते हैं, पेट को साफ करने में मदद करते हैं। इसलिए आप बिना मुंह धोए पानी पीजिए, उसके बाद भी कुछ भी खाना पीना है तो आप ब्रश मंजन करके ही खाना पीना करेंगे। एक और चीज बेटा, उकड़ू बैठते हैं ना तो पानी सीधे हमारे आंतों में जाता है और आंतों में जाकर के प्रेशर बनाता है, इसीलिए कभी भी पानी बैठते हैं तो उकड़ू बैठकर पानी पीते हैं, लेकिन बाकी समय भी पानी पीते हैं ना तो कुर्सी में बैठ करके या बिस्तर पर बैठ करके ही पानी पिए, खड़े होकर पानी कभी नहीं पीना है क्योंकि वो हमारे घुटने में दर्द उत्पन्न करता है आगे चल करके। और अगर आपके घर में छोटा सा तांबे का लोटा है तब क्या करेंगे बेटा, तो उतने से तो बात नहीं बनेगी, तो उसको आप बड़े बर्तन जो है ना पानी पीने का उसमें डाल दीजिए तो भी थोड़ा सा गुण आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम प्रतिदिन उषापान करते हैं तो हमारा पेट हमेशा साफ होगा। एक बात और बेटा, कभी कभी ठंडा पानी पीने में दिक्कत होती है तो आप कुनकुना पानी करके गर्म करके उसको पी सकते हैं। तो सभी उषापान करेंगे ना, हाँ चलिए हमारे साथ संकल्प लेंगे, मुट्ठी बांधिए और हमारे साथ बोलिए, हम संकल्प लेते हैं कि कल से प्रतिदिन सुबह उठकर उषापान नियमित रूप से करते रहेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। और अगली सप्ताह याद रखिएगा, हम आपसे पूछेंगे कि आपने उषापान किया कि नहीं किया, तो आपका आपके जो उत्तर है वो यस में होना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा उषापान के बारे में, ये केवल एक झलकी थी। अगर इसको तरीके से बताया जाए तो उसमें तीन आसन बताए जाते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगी आपके पास ये मार्गदर्शिका जो बताया आपको, आप इसमें पेज नंबर 201 और 202, पेज नंबर 201 202 को निकालेंगे और इसका अध्ययन करिए। वाटर थेरेपी के नाम से उषापान को दिया गया है और वो विस्तार से है, तो वैसे भी विस्तार से आपको स्वयं अध्ययन करना होगा, स्वाध्याय करना होगा, तब जाके बात बनेगी। आज हमने एक डेमो आपको दिखाया उषापान से संबंधित। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रेरणा हम देना चाहते हैं वो प्रेरणा उन्हें मिले। हमारी जुबान और हमारी जो एक्टिविटी है बच्चों के सामने वो होना चाहिए, केवल नाटक नौटंकी होकर के न रह जाए या विषयांतर न हो जाए। और बच्चों को हमने कभी नहीं कहा हम आपको उषापान के बारे में बताते हैं, सीधे सीधे उनको झाड़ू दिखाया कि बच्चों आपको स्वस्थ रहने के बारे में बता रहे हैं, देखिए क्या होता है, ये क्या है, झाड़ू शुरू हो गए। आपको स्वस्थ रहने के लिए एक फार्मूला बताते हैं, क्या है फार्मूला मालूम है आपको, आपको नहीं मालूम, हमें मालूम है। क्या है उस फार्मूले का नाम, उस फार्मूले का नाम है उषापान। जैसे कोई जादू दिखाते हैं ना, बोलते हैं अभी हम आपको एक जादू दिखाते हैं, देखिए अभी आपका ये हो जाएगा, तो ऐसे रोचक तरीके से उनके सामने प्रस्तुत करते हैं जब प्रयोग करते हैं। और ये आपके पास मार्गदर्शिका है, आप उसमें देखिएगा
बाकी बातें विस्तार से चूंकि और भी बचा है प्रयोग, इसलिए इसके संबंध में तरीके से मार्गदर्शन अब कल हो पाएगा। यहाँ पर हमें अपना ये क्रम है उसको विराम देना होगा, समय हो चुका है, शेष बातें कल होंगी। और जो बचे हुए दिवस में हमारी जितनी बातें हैं वो क्रमवार होती रहेंगी। और आज आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न को चैट बॉक्स में डाल सकते हैं जो कालखंड एक से और दो से संबंधित होगा, या तो फिर बाद में करना चाहेंगे तो बाद में भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप प्रश्न केवल डाल सकते हैं। आपको मैं बार बार बता रही हूँ ये झलकियां हैं, केवल जो ऑनलाइन प्रशिक्षण है वो झलकियां हैं। एक जानकारी के लिए बता दें आपको कि YouTube में आपको जो हमारी DVD बनी हुई है पहले से बाल संस्कार शाला के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, वो DVD का अंश भी डाला जाएगा जिससे कि आप टोटल प्रशिक्षण को देख सकें, समझ सकें। क्षमा कीजिएगा, इस संबंध में एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगी। आप उसे जैसे मूवी बनाते हैं लोग बहुत आकर्षक तरीके से, उनमें लाइट और माइक की जो शुद्धता होती उस दृष्टिकोण से न देखिएगा। हम लोग काम करने वाले हैं न्यूनतम साधन में, केवल भावना के आधार पर उसको परफेक्ट बनाने वाले प्रयास करते हैं केवल। तो जो भी आपके सामने उसको समझने की कोशिश कीजिएगा जिससे कि आपको उसे सहायता मिल सके, उसे आप कोई हाई फाई सोच करके उस मापदंड पर उसको ना लीजिएगा। तो आपको जो YouTube में मिलेगा वो इसी तरीके का रहेगा जिससे कि आपको पर्याप्त सहयोग मिलेगा। तो मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करना चाहूंगी और हमारे भाइयों बहनों से निवेदन है यदि कुछ चैट बॉक्स में है तो क्या ये रोज जूम पर, हाँ जी जूम पर आएगा या नहीं ये टेक्निकल मामला है, ये भाई साहब बताएंगे, लेकिन बाद में जरूर आ जाएगा। ये मीटिंग तो जूम में हो रही है, आप यदि YouTube कह रहे होंगे तो YouTube का नहीं मालूम मुझे। YouTube में आएगा दीदी? हाँ YouTube में आएगा बता रहे हैं, आएगा। आज कुछ तकनीकी कारणों से प्रसारण सीधा नहीं हो पाया, एक घंटे के बाद में हम इसको अपलोड कर देंगे YouTube में, इसको देख सकते हैं भाई लोग, और प्रत्येक दिन की कक्षा भी यूट्यूब में आएगा। जी ये प्रश्न बाद में है, अभी अभी कालखंड जो चल रहा है, कालखंड दो के दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, आपको फ्लेक्स दिखाया गया है। आप ये मार्गदर्शिका देखिए, अपनी PDF फाइल देखिए, इस मार्गदर्शिका को देखिए PDF फाइल में, उसमें जो फ्लेक्स का नमूना है उसमें सारा लिखा हुआ है। सबसे पहला सद्वाक्य मनन चिंतन नंबर एक, दूसरा कहानी नंबर दो, और तीसरा स्वस्थ रहने की कला, तीन बिंदु हैं द्वितीय कालखंड के। तृतीय कालखंड में कल हम आएंगे, आप उसको विस्तार से देख लीजिएगा। बता दें कुछ तकनीकी कारणों से YouTube में आज सीधा प्रसारण नहीं हो पाया है, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको हम एक घंटे के बाद में YouTube में अपलोड कर देंगे। आप लोग प्रांतीय व प्रकोर छत्तीसगढ़ चैनल बना हुआ है उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहां जाकर के देखिएगा, आपको ये सारी सामग्री मिल जाएगी। आप सबने सुन लिया होगा, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़, गायत्री परिवार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़, और उसमें आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी और ये प्रतिदिन अपलोड हो करके आपको मिल जाएगा। बल्कि इसके अलावा भी प्रशिक्षक प्रशिक्षण का अंश अपलोड किया जाएगा, आप उसे भी देख सकेंगे जो कि प्रशिक्षण के क्रम में ही होगा। क्योंकि इस समय हमारे पास समय की बाध्यता होती है, समय सीमित होता है, इसलिए हम सीमित शब्दों का, सीमित क्रियाओं का उपयोग करके ही हम इसको संपन्न करना जरूरी रहता है, करते हैं। अतिरिक्त बातें हम कर नहीं सकते, हमारी बाध्यता है, आपकी भी बाध्यता है, इसे हम, इसकी पूर्ति हम उसी प्रकार से करेंगे कि अपलोड करके YouTube में आपको उपलब्ध करा देंगे। उसे ईमानदारी जिम्मेदारी पूर्वक आपको ध्यान दे करके देखना पड़ेगा, यही समझ करके कि ये क्लास की चीजें हैं और वास्तव में क्लास की ही चीजें हैं। और उसमें से जो समझ में नहीं आता है आपको, यदि कोई प्रश्न पैदा होता है तो निश्चित रूप से आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं, वो बताने को हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे भाई राकेश शर्मा जी भी जुड़े थे आज, उनका भी धन्यवाद। जी जम्मू कश्मीर से, जी जी, जी। ये लिखते हैं किसी दिन एब्सेंट हो जाए तो क्या करें, तो YouTube में वो रहेगा, उसको आप देखिए,
और हम तो ये आग्रह करेंगे कि जो आज कक्षा में है वो भी यूट्यूब को बार बार सर्च करें, बार बार देखें, जिससे उनका अभ्यास हो जाए, क्योंकि एक दिन एक बार में देखने से पूरी तरह से हम सीख जाए ऐसा हो नहीं पाता है। एक प्रकार से आपकी ये सैद्धांतिक कक्षा है, आप इसे यूट्यूब में जरूर देखिए, बार बार देखिए, और उसके बाद अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए, आप निश्चित रूप से एक प्रशिक्षक के बतौर में प्रशिक्षित हो सकेंगे। ये जिन्होंने संदेश दिया है आहार संयम, सबसे पहले तो निवेदन आपसे कि आप अपनी मोबाइल में नाम और स्थान का नाम लिखे भाई साहब, जो आप संदेश दे रहे हैं, आपका संदेश बहुत अच्छा है। और ये सब सिखाया जाता है, ये बाल संस्कार शाला की पूरे सिलेबस को आप जब इसको पढ़ेंगे और संचालित होने वाली क्लास को देखेंगे, ये स्वयं करने का है, और स्वागत है, आप जरूर करिए इसको। भैया समय हो गया जी, दीदी शांति पाठ कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा।